अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं अल्लाह ताला के फजल करम से और आप सबके दुआओं से। तो चलिए, आज हमने सोचा आपको बाहर की हम सैर करवाते हैं और ये हमारे नेबरहुड में ही है, यहाँ पे एक पॉन्ड है जी। तो व्यूअर्स, आज हम लोग निकले हैं वॉक पे और देखिए वो उधर से गाड़ी आ रही है, बी केयरफुल जवाद। इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, वेट वेट, बहुत तेज जाते हैं यहाँ से। जवाद बड़े दिनों से कह रहा था कि मुझे जो है ना पॉपकॉर्न स्पेशल लेके आया कि मैंने किसको खिलाने हैं आपने? एवरीवन, हबीबा इज नॉट अ डक। और ये डक पे जाना, उधर पॉन्ड पे जाना चाह रहा है, डक पे जाना चाह रहा है। और यहाँ पे ये पॉन्ड बना हुआ है और ट्राई करेंगे आपको दिखाने की ड्रोन के साथ एक व्यू इसका। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये वाला साइन बना हुआ है कि स्विमिंग बना है और स्केटिंग वगैरह, ये अब इन लोगों ने साइन बोर्ड लगा दिए हैं। और यहाँ पे अच्छे खासे बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो गई हैं। ये जब न्यू एरिया बनता है तो सबसे पहले ये लोग यहाँ पे पॉन्ड्स वगैरह ये बनते हैं और इस तरह से ये यहाँ इसमें फिश वगैरह छोड़ देते हैं, फिशेज होती हैं, डक्स फिर रही हैं। वाओ, सो मैनी। करीब से आपको दिखाने की ट्राई करती हूँ। डक्स, ये डकीज हो रही, जी। तो ये हमारे कोई पाकिस्तानी भाई थे, अपने बच्चों को लेकर आए हुए थे। उनके बच्चे भी ओबियसली घर बैठे बैठे तंग आ गए होंगे वीकेंड पे कि हमें लेके चलें यहाँ पे, ज़रा हम भी डक्स वगैरह को देख के आएँ। और ये देखें ज़रा, ये बच्चों को लेके आगे चले गए हैं क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग आगे निकल गए थे और वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी डक्स वहाँ पर ज़्यादा जमा थी, लेकिन इन लोगों ने इधर आना चाहिए था, इनको यहाँ पर ज़्यादा बहुत अच्छी और ज़बरदस्त। वाओ, ये है जी पॉन्ड यहाँ पे। ये हर कोई, मेरे ख्याल से मैं पूछती हूँ कि ये 150 या 200 घरों के करीब ही ये बनता है। और इसकी हकीकत क्या है ये अभी मियाँ साहब से हम पूछते हैं। यहाँ पे वॉक भी लोग करने आ जाते हैं और ये, वैसे जब पहले हम लोग आए थे तो यहाँ छोटी छोटी ये ग्रास थी, अभी जड़ी बूटियाँ बहुत अच्छी खासी ग्रो हो गई हैं यहाँ पर। और ये देखें, ये सारा उसके इर्द गिर्द सारा ये बनाया हुआ, ये पॉन्ड है। ये हर कम्युनिटी के साथ साथ इन लोगों ने छोड़ा हुआ होता है इस तरह से। और इसमें ये होता है कि ये सारा जब रेन वगैरह होती है तो ये सारा बारिश का पानी इसमें आता है, होता है, तो ये क्लियर वाटर है। बच्चे यहाँ पे आके बड़ा खुश होते हैं,
क्योंकि यहाँ पे ड्रग्स होती हैं और इन्होंने क्या करते हैं कि यहाँ पे जब ये बनाते हैं तो स्टार्टिंग में इसमें फ़िश छोड़ देते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी फिशेज़ होती हैं और वो यहाँ पे बढ़ती चली जाती हैं, जस्ट खूबसूरती के लिए छोड़ते हैं यहाँ पे। लेकिन जब ज़्यादा हो जाती हैं तो लोग फिर यहाँ पे फिशिंग करने भी आ जाते हैं, बच्चे बच्चे। तो ये भी, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है डेंजर, डू नॉट इंटर स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट पूल, या भी इन लोगों ने लगाया है। ये किसी वजह से स्केयर्ड, इसमें कोई कीड़े मकोड़े होंगे, स्नेक तो नहीं निकलेगा। ये देखें इधर आओ जवाब, कम हियर, वेयर, ओके ऊपर से आके देख लेते हैं, इधर आओ रोड पे से देख आ जाओ, लेकिन वो पक्का नहीं है, पक्का भूत है, बस इधर ही रुक जाएं, आ जाएं। ये पहले ये ड्राई होता था, इसमें पहले तो पानी नहीं जाता था ना ये वाला, लेकिन पहले नज़र तो कभी नहीं आया था ये पानी जा रहा है। अच्छा ये वाटर क्लीन जा रहा है, पूरा ये उधर से आ रहा है, दूर से ऐसे आ रहा है। अच्छा आप ये क्या बता रहे थे कि जो है ना पानी, ये जो घरों का होता है, ये हमारे वुड के बने हुए होते हैं सारे, जितना भी रेन वाटर रोड का होता है ना सारा, वो पूरे कॉलोनी का इकट्ठा होके इधर आता है। एक इस तरह बहुत सारे बने हुए जगह जगह पर ये बने होते हैं, तो जब रेन होती है, मेरे ख्याल से ये कोई 400-500 घरों के बाद हर इधर एरिया में बनाया जाता है, ताकि वहाँ पे जितना भी रेन का वाटर होता है यहाँ आता है, और जब ज्यादा हो जाता है। अलोन नहीं जाओ, कम है जवान। तो मैंने तुम्हें वो दूसरी जगह दिखाई है ना, वहाँ से फिर वो ड्रेन होके आगे चला जाता है, नहर छोटी बन के, नाला बन के। और ये देखिए ये डक्स, चलो ये अभी वो डालो उसको। वाओ जवाद, ये देखो ये सन सनसेट का ये व्यू इतना अच्छा आ रहा है, ये देखिए। अगर देना है तो मुझे कैमरे पे निकाल के। इट्स रेनिंग। वे I'm gonna have mosquito bites too now. हम लोग इधर आए हैं और डक्स जो है ना वो उधर चली गई हैं। देखो एक बर्ड आ गया खाने के लिए पॉपकॉर्न। सेव इट फॉर द डक्स। ये फ्रेश बनी हुई है ये डकलियां। ये बड़ी वाली डक खा रही है। वो देखो उसे डक को खुशबू आ गई है, वो देखो स्मेल सूंघ के, ये देखो जवाब वेट, फिर जब वो आपके पास आएंगे ना यहाँ पे, फिर हम लोग फेंकेंगे। या ये देखो आ रही हैं, आ रही हैं। Cute. You like it? You like ducks?
जी तो व्यूअर्स, हमने यहाँ पे ड्रोन उड़ाने की ट्राई की, लेकिन हवा अच्छी खासी चली हुई थी जिसकी वजह से वो एक ही तरफ रहा और दूसरी तरफ मूव नहीं हो पा रहा था। इसलिए फिर हमने छोड़ दिया कि चलें बस अब चलते हैं। और बच्चों ने तंग करना शुरू कर दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज थे, और देखा वो हबीबा ने फेस छुपाना शुरू कर दिया अपना क्योंकि मॉस्किटोज बहुत ज़्यादा काट रहे थे। और इसलिए फिर हम लोग अब घर जा रहे हैं, मगरिब का टाइम होने वाला है और फिर नमाज़ का टाइम होगा। आप लोग हमें दुआ में याद रखिए, अपने बड़ों का सबका ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।